assalamu alaikum students dear students we are studying a chapter carbon and its compounds and today's lecture we will discuss about the classification of hydrocarbons this topic is very important for your examinations this question is frequently asked in your examinations about the classification of hydrocarbons first of all you all know what hydrocarbons mean hydrocarbons are those compounds hydrocarbons are those compounds which are made of which are made of only hydrogen and मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन जो सिर्फ और सिर्फ बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और हाइड्रोजन के नो वट आर हाइड्रोकारबन दो कंपाउंड विच आर मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर कल्ड हाइड्रोकार फॉर एग्जाम्पल वी आर टाकिंग अबाउट मीथेन सी एच फोर वी आर टाकिंग अबाउट ईथेन एटसट्रा दीज आर हाइड्रोकारबन Now, broadly, these hydrocarbons are classified into two types. One is acyclic hydrocarbons, cyclic hydrocarbons, and second is cyclic hydrocarbons. Hydrocarbons are of two types. One is called a cyclic hydrocarbon, acyclic hydrocarbon, and another is called a cyclic hydrocarbon. Broadly, we are classifying hydrocarbons into two types. One is called acyclic hydrocarbon, and another is cyclic. What are acyclic hydrocarbons? Acyclic hydrocarbons are also called are, are those hydrocarbons which have open chain structure, which have ओपन चेन स्ट्रक्चर विच है विच हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर जिनका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है किन का एस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का देखो जो साइक्लिक होते हैं साइक्लिक का क्लोजर स्ट्रक्चर होता है इसको हम बाद में फिर एक एक करके पढ़ेंगे साइकिल साइक्लिक का क्लोजर स्ट्रक्चर होता है पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे असाइकिल साइक्लिक का क्लोजर साइक्लिक के फर्दर दो टाइप है एक को कहते हैं हम एलेसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। वन इज साइक्लिक है ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड आर फ्रॉम, एलिफैटिक फ्रॉम एनिमल फैट डवर्ड फ्रॉम एनिमल फैट शबाश हाइड्रोकारबन के दो टाइप्स हैं। एक को एसाइकलिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं दूसरे को साइकिलिक हाइड्रोकार्बन कहते है एसाइकलिक हाइड्रोकारबन आर दो हाइड्रोकारबन विच है ओपन चेन स्ट्रक्चर They are also called aliphatic hydrocarbons. Aliphatic means they are derived from animal fat. You see, there are cyclic hydrocarbons or closer chain structure. They have two types one is alicyclic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. One is alicyclic hydrocarbon and another is aromatic hydrocarbon. Now, my dears, this acyclic is further classified into two types. One is called saturated hydrocarbons. And second is called unsaturated hydrocarbons. Acyclic hydrocarbons are classified further into two types one is called saturated hydrocarbon, another is called unsaturated. Saturated hydrocarbons are also called alkenes, and unsaturated is classified into two types one is called alkenes. एंड अलकाइनस दीज आर द टाइप्स ऑफ अन हाइड्रोकार्बन फिर से सुनिए अभी हम मून जिगर हाइड्रोकारबनस की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा इसको ब्रॉडली दो टाइप्स में असाइक्लिक और साइक्लिक। साइकिलिकसाइकलिक का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनज इनको दे आर डिराइव फ्राम एनिमल फैट इसके दो टाइप्स है हाइड्रोकार्बन अल्के alky, जिनको अल्किनस कहते हैं अनसेचूरेट को अल्किनस या अल्कानस कहा जाता है साइकिलिक वो है जिनका क्लोजर से रिंग स्ट्रक्चर होता है इसके दो टाइप्स है एंड एरोमेटिक एरोटिक आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक साइकिलिक जिसमें साइक्लोप्रोपीन साइक्लोब्यूटेन उसमें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे एरोमेटिक दे आर प्लेजेंट स्मेलिंग हाइड्रोकार जिस तरह बेंजीन एंथ्रासीन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले बात करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर का यह है ना विच है ओपन चेन स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ऐसे सी टू एच सी ऐसे सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है खुला स्ट्रक्चर है इसी तरह ब्यूटेन है सी फोर एच टेन है सी फोर एच टेन को हम लिखते हैं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री क्या म्यून गोबर इसका इसका क्लोजर स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो वही ओपन स्ट्रक्चर ओपन चेन का मतलब है जिसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर या ब्रांचड हो सकता है ब्रांचड भी हो सकता है लेकिन क्लोजर नहीं हो सकता क्लोजर मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्लोजर है सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं साइक्लोप्रोपेन ये क्लोजर स्ट्रक्चर है ये ये स्ट्रेट है ओपन चेन है तो याद रखिएगा एलिस होता है हमेशा ओपन चेन स्ट्रक्चर खुला स्ट्रक्चर होता है इनका फिर मैंने कहा कि एलिसाइकलिक को एरोमेटिक भी कहा जाता है इनको कहा जाता है, है एलिफैटिक भी बिकॉज दे आर डिव एनिमल फैट मेजोरिटी में एनिमल फैट में डिराइव हुए हैं नाम दिया गया है इनको एलिफैटिक एलिफेटिक भी बेटा समझ आया स्ट्रेट चेन समझ आया ओपन चेन का मतलब है जिसकी चेन खुली होती है विकास कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में जो है ना वो लंबी लंबी जो हमने परसों कैटिनेशन पढ़ा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जो ना लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं तो साइक्लिक में क्लोजर स्ट्रक्चर होता है जो आपने देखा क्लोजर साइक्लोप्रोपेन में जैसे होता है तो अब बात करेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जिनको हम जुगरम्यून क्या कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल केन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल केन्स और जो सेचुरेट हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें कार्बन एंड कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है आप ऐसे लिख सकते हैं इन सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट पहला दे आर अल्केन्स, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तीसरा दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिज दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन पैराफिन इज फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज पैरा पैरा मीन लिटल एंड एफिन मीनज रिएक्टिव तो व्हाट आर पैराफिन पैराफिन आर लिटल रिएक्टिव जुगरम्यून क्या मैंने कहा सैचुरेटिड हाइड्रोकार्बन को alkenes कहा जाता है सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन वाई दे आर कल्ड पैराफिन रिएक्टिव ये लिटल रिएक्टिव क्यों होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बेटा समझ आ चौथा दे दे सबस्टूशन रिएक्शन देर गो सबस्ूशन रिएक्शन इनमें सबस्टूशन हो जाती है इनमें सबस्टूशन रिएक्शन हो जाती है इनमें सबस्टूशन रिएक्शन सबस चूशन रिएक्शन का एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता है एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है दूसरा एलिमेंट शाबाश फॉर एग्जाम्पल सी एच फोर को हमने एड किया सी एल टू क्या किया एड सी एल टू इसके बदले बाहर निकाला एच सी एल वहां पर बन गया सी एच थ्री सी एल बात सुनो सी एल टू एड किया सी एच फोर को माइनस एच सी एल कर दिया एक हाइड्रोजन सी एल के साथ निकला आदि बन सी एच थ्री सी एल जिसको हम क्लोरो मीथेन कहते हैं अगर हम इस क्लोरो मीथेन को डालते हैं सी एल टू और माइनस करते हैं एच सी एल एच सी एल बाहर निकालते हैं सी एच थ्री सी एल से पहले ऐड करेंगे सी एल टू फिर माइनस सी एल तो वहाँ पे बनेगा सी एच टू सी एल टू इसको बोलते हैं फिर फिर से ऐड करते हैं सी एल टू माइनस करते हैं एच सी एल यहाँ पर बनेगा सी एच सी एल थ्री जिसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म इस क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हैं फिर से सी एल टू माइनस करते हैं एच सी एल यहाँ बनता है सी सी एल फोर टेट्रा कार्बन इसको कहते हैं मान्यू गुबरों ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सबस्ूशन रिएक्शन हो गई सबस्टूशन तब तक होगी जहाँ पे जब तक इसके सारे हाइड्रोजन बाहर निकले जब तक इसके सारे हाइड्रोजन बाहर निकले तो इनको दे अंडर गो सब चूशन रिएक्शन इनमें सबस चूशन रिएक्शन होती है वट आर सबस्ट चूशन रिएक्शन सबसे रिएक्शन में एक एलिमेंट को डिसप्लेस किया जाता है दूसरे एलिमेंट के थ्रू जिस तरह आपने मीथेन में देखा हमने सी डाला जब हमने सी डाला और माइनस किया एच तो यहाँ पे बन गया CH3Cl जिसको क्लोरोमीथेन कहते हैं इसको डाई इसको ट्राई आप देख रहे एक एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता जा रहा है एक सब होता जा रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ क्लोरीन बेटा समझ है तो ये एंडर को करते हैं सब रिएक्शन और फिफ्थ वाला है दे हैव जनरल फार्मूला सी जो ये हाइड्रोकार्बन है इनकी जनरल फार्मूला है सी एन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एन जो है ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं अगर एन अब दो होगा तो फार्मूला क्या आएगी सी एन सी टू एच टू इंटू टू सी टू इंटू टू प्लस टू तो आएगा सी टू एच सिक्स जिसको हम इथीन कहते हैं क्या कहते हैं इथिन तो मैंने गुबरो इसकी जो जनरल फार्मूला है वो है सी एन एच टू एन प्लस टू किस की अल्केनज की अगर आपको कार्बन तीन दिए जाएंगे तो आप लिखोगे सी थ्री एच एट ट्वेंटू थ्री गो सिक्स प्लस टू गो सी थ्री एच एट अगर कार्बन चार होंगे तो सी फोर एच ट्वेंट फोर प्लस टू गो सी फोर एच टेन तो बेटा इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है तो इस चीज़ से आप इसका आप इसका निकाल सकते हो कि इसमें कितने कार्बन आइटम्स दिए अगर होंगे तो आप इसकी फार्मूला बना सकते हो तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है समझिए कुछ पॉइंट्स में फिर से रिपीट कर रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहा जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनको पैराफिनस भी कहा जाता है वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन बिकॉज दे आर लिटल रिएक्टिव वाई दे आर लिटल रिएक्टिव बिकॉज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है और ये अंडरगो करते हैं सबस्टूशन रिएक्शन इनमें सबस्टूशन रिएक्शन अंडरगो होती है जिस तरह हमने मीथेन में ऐड किया सी और बाहर निकला एच सी एल वहाँ पर सी बना जिसको क्लोरोमीथेन कहते हैं इसके बाद, इसके बाद में फिर सी एल टू डाला माइनस एच सी एल किया सी एच टू सी एल टू बना एक हाइड्रोजन बाहर निकला जो एच सी एल जो आई सी एल ने बा एच सी एल निकाला डाय क्लोरोथेन फिर से सी एल टू डाला और एच सी एल बाहर निकलेगा बन गया सी एच सी एल थ्री जिसको हम क्लोरोफार्म बोल क्लोरोफार्म बोलते ये क्लोरोफार्म पुराने मतलब बहुत पुराने एज एन एनेस्थीशा हम यूज़ करते थे और म्यून जगत फिर सी एल टू एड किया माइनस आई सी एल किया वहाँ पर सी सी एल फोर जब तक सी सी एल फोर में कोई हाइड्रोजन है नहीं जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हुए तब तक सब शूषण होती गई और इनकी जो जनरल फार्मूला है वो है सी एन एच टू एन प्लस टू वायर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर एन अब दो होंगे तो इट इज़ सी टू सी टू एच टू इन टू प्लस टू इट इज़ इथेन इट इज़ इथेन और याद रखिएगा ये सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों दे हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब इनका ओपन स्ट्रक्चर है जिस तरह आपने ब्यूटेन में देखा इट इज सी एच थ्री सिंगल बाउंड सी एच टू सिंगल बाउंड सी एच टू सिंगल बाउंड सी एच थ्री ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लासरूम में समझाया है हाउ इट इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बेटा समझ आ रहा है आज गर्म्यून तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासीफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और आज हमने डिस्कस किए सेचुरेट इनशाला कल के लेक्चर में डिस्कस होगा अन हाइड्रोकार्बन मतलब अल्किन और अल्काइन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा सिकेंस में फिर से रिपीट करूँगा हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बनज आप जानते हैं ये दे आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ऑनली कार्बन एंड हाइड्रोजन मीथेन है इथेन है प्रोपेन ब्यूटेन है समझे या इथिन प्रोपेन ब्यूटीन ब्यूटाइन है पेंटाइन मतलब इसमें अल्केन अल्किन और अल्किन सारे आते हैं इसके दो टाइप्स हैं एसाइकिल और साइकिलिक एसाइकिलिक नेम से ही इंडिकेट होता है मतलब साइक्लिक नहीं है तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है मतलब लॉन्ग चेन में ही प्रेजेंट होता है या ब्रांचड होगा इनको हम एलिफैटिक भी कहते हैं एलिफैटिक का मतलब है डिराइवर फ्रॉम एनिमल फैट और साइकिल दूसरा क्लासिफिकेशन है साइकिलिक का मतलब जिनका क्लोजर स्ट्रक्चर होता है इसके दो टाइप्स है जिनको हम एलिफैटिक साइकिलिक भी एरोमेटिक को प्लेजेंट स्मेलिंग कहते हैं हमने डिटेल में पढ़नी है फिर हमने एसाइकिलिक को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया सैचरेट और अनसेच्यटेड सैचरेट को फिर से क्लासफाई किया अल्किनस में और अनसेचूरेट को, को दो में अकनज और अल्कानज अल्किनज में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बांड होता है इनको पाराफिनस भी कहा जाता है इनके अंडर को सब रिएक्शन होती है जो आपने पढ़ी और जनरल फार्मूला इनकी सी एन एच टू एन प्लस टू है बच्चों ब्या पॉइंट इन मज्जे गस पी थ्री हाइब्रडाइजेशन मतलब आख़ तो त्रेपी आर्बिटल गसा अंज मर्ज और बनाता एस पी थ्री हाइब्रडाइजर होता है जस्ट बियॉन्ड योर सिलेबस इनशाला वो हम आगे डिस्कस करेंगे चलो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे इनशा हम कल मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ टेक केयर